It's a very recruitment which is a title by the mother of all scammers. आज हम दोबारा एलजी साहब से मिले और हमारा जो अपॉइंटमेंट हुआ था मैं अभी कुछ 11 बजे थे और मेरे साथ मेरा जो भाई है वो भी साथ था और दूसरा जो एबिनो साहब के हम शुक्रगुजार हैं उसने जो हमारी अपॉइंटमेंट वहाँ पे कराई और एलजी साहब ने आश्वासन दे दिया कि इस पर पहले ही प्रोब बिठा दिया गया है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आया और गुप्त प्रोब चल रही है और दे हैव फाउंड सम स्कैम्स सम क्लूज विच रिवील्स दैट इट इज़ ए बिगेस्ट स्कैम जो ये दोहरा रहा है कि इसमें स्कैम हुआ है और आने वाले दिनों में वो कुछ दे आर गोइंग टू कलेक्ट सम अदर व्यूज सम अदर पॉइंट्स एज वेल और कुछ और चीज़ें वो कलेक्ट करने जा रहे हैं आफ्टर देन दिस लिस्ट विल बी कैंसल्ड एंड सीबीआई प्रूव विल बी डिक्लेयर्ड ओवर कब से ये इससे पहले ये तो लंबा चौड़ा कहानी क्योंकि दो बार हुई है क्योंकि आधा घंटा लगेगा इसको बताने में एक्चुअली मैं 2020 में जो लास्ट पे हुआ है बड़ा स्कैम हुआ है और 2020 से हम लगातार वी आर बींग डिमांडिंग फॉर द सीबीआई इंक्वायरी एंड वी आर डिमांडिंग फॉर जस्टिस एंड हम अभी भी इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि जब ये ग्राउंड प्रैक्टिकल में आ जाएगा तभी हम जो है सेटिस्फाई होंगे अदरवाइज दिस प्रोटेस्ट विल गो वेरी लॉन्ग टिल एंड अनलेस वी विल नॉट गेट जस्टिस और ये जो है प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा और 7 दिन हम गिन रहे वी आर काउंटिंग ऑन द डेज विच हैज़ व्हाट द वर्ड्स हैव बीन गिवन बाय द एलजी साहब जो पॉइंट्स दिए गए एंड बीइंग द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस वेरी यूटी वी हैव टू मेक ट्रस्ट इन हिम हमको उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा एंड वी आर लुकिंग फॉर what is going to prevail and that will be also break before you that time sab se ye mil ke aaya ye log ek inka deputation mil ke aaya hum yahan protest kar rahe the aur aisa lag raha ki dabav ban gaya aaj in bachchon ki mehnat aur hamare aam aadmi party ke dabav se ab sarkar jo thodi hili hai aur achhi khabar ye mili hai ki governor sahab ne ek bar fir inko aashwasan diya hai ki is pe gupt jo ek jo space pe jaanch chal rahi hai gupt jaanch chal rahi hai aur aane wale dino mein inke sath insaaf hoga और बड़ी अच्छी खबर है लेकिन आपके माध्यम से मैं एलजी साहब को एक मैसेज देना चाहता हूं सर दीज एस्पिरेंट्स आर स्ट्रगलिंग ऑन रोड्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स दो साल से ये सड़कों पर हैं और इनको अब न्याय मिलना चाहिए ये मांग कर रहे हैं कि जो फायर इमरजेंसी सर्विस का जो रिक्रूटमेंट स्कैम है ये मदर ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट स्कैम है और इस सिरे से जो है ये इम्तिहान रद्द होने चाहिए मतलब दिस एग्जाम शुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड एब इनिशियो और दिनोवो मतलब नई तरीके से एग्जाम होने चाहिए ताकि इन बच्चों को एक बार फिर से इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और इनको इनका हक और इंसाफ मिले आम आदमी पार्टी इनके साथ शाना बजाना खड़ी है और विल कीप अ विजिल ऑन दिस गवर्नमेंट नाउ अब ये आश्वासन आया है आप विल मेक श्योर कि जो एश्योरेंस है ये अब धरातल पे जो है इनकी जो स्ट्रगल है पाए तकमील तक पहुंचनी चाहिए और जो इनका एश्योरेंस है वो एक फॉल्स प्रॉमिस में नहीं होना चाहिए इट शुड नॉट बी ए फॉल्स प्रॉमिस इट शुड एक्चुअली रियलाइज ऑन द ग्राउंड एंड दीज पीपल शुड गेट जस्टिस एट द अर्लीस्ट वील इंश्योर दैट हमने सब लीडरों से मिले आम आदमी पार्टी NCP DP कांग्रेस सब ने कहा इसमें बहुत बड़ा हाथ है सब ने कोशिश की आम आदमी पार्टी हमारे साथ आई हमें उनका बहुत बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि लड़ना है किसी के खिलाफ लड़ना है इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जो इधर धांधली कर रहे हैं लड़ना है अपने क्या हम बोलते हैं हक के लिए लड़ रहे हैं हम किसी का कुछ नहीं मांग रहे हैं हम कोई गलत आइडियोलॉजी हमारी नहीं है हमारी ये आइडियोलॉजी है कि हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है हमारे साथ जो नानसाफी हुआ हमें हम इंसान मांग रहे हैं ना हम किसी का क्या बोल रहे हैं कि हमारे से इनजस्टिस हुई है जो फेवरेटिज्म नेपोटिज्म जो फाइनेंशियली पावरफुल लोग लगे हैं हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं कि एक फेयर सिलेक्शन हो जिसमें हर कोई लड़का सेटिस्फाइड हो हमें अगर फेयर सिलेक्शन हमें पता होता हम इस लायक है ही नहीं लगे अब ये वो लड़के लगे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स उनके घर में बर्तन साफ करते थे या मंत्रियों के घर में बर्तन साफ करते थे वो लगे हैं या जिनका बाप था रिलेशन वाले वो लगे हैं या जिनके पास पैसा ज़्यादा था वो लगे हैं तो आम बंदा कहाँ जाए आम बंदा से सड़कों में आएगा ना और कहाँ जाएगा तो हम 3 साल से ये डिमांड कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन से लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है उन्होंने जो बाहर से इम्पोर्ट करा रहे हैं ना ये IAS UPSC अब ये कह रहे हैं कि हम ये आँखें बन गए भाई दादा बन गए हमें लोग ये पब्लिक समझ रहे हैं कि ये तो पब्लिक हम इन पर कमांड करने आए हैं क्या करने आए हैं इनको सिखाया ट्रेनिंग में जाता है UPSC IAS वालों को सिखाया गया जाता है आप तो बहुत बड़ी पावर हो जी आपको कमांड करना ये हमें हमारे ऊपर कमांडिंग कर रहे हैं हमारे बदनसीबी है कि 70 साल में पहली बार हुआ है कि हम पे कोई कमांड कर रहा है हमें हमारे मुंह में लगाम डाल के ये ना वो घोड़ा नहीं दौड़ाते लगाम डाल के बाद में मार रहे हैं पैनिक कर रहे हैं कि दौड़ ये ऊपर सवारी कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलत बात है कि जम्मू कश्मीर न पैनिक हुआ है ना होगा हम अपना मुस्तकबिल खुद बनाते हैं क्या
हम अपना मुस्तकबिल खुद बनाते हैं, हमें पता है ब्यूरोक्रेसी से कैसा काम लेना है, क्या लेना है। ये तो किराएदार हैं, कब चले जाएंगे, संभालना हमें ही स्टेट को, हमने ही संभालना है। तो हमें सबसे बताना चाहते हैं कि फायर एमरजेंसी सर्विस पे 3 साल से जो डिमांड थी सीबीआई इंक्वायरी, इसमें गवर्नर साहब इसको इंक्वायरी दें।